हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सब ऑटो सर्विस। तो आज हमारे पास में हीरो का HF डिलेक्स का इंजन है, तो इसका हम आज पार्ट टू लेकर आ गए, क्योंकि एक पार्ट वन का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके पहले देख लीजिए। और वहाँ से देख के आए तो आपको मालूम है कि हमने पार्ट वन के अंदर क्या चीज़ बताई है। तो जल्दी से क्या करते हैं हम, चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके बताना कि आपको पार्ट वन कैसा लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पार्ट टू के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस गियर, पार्ट वन के अंदर हमने क्या बताया कि इसका जो क्रैंक है वो असेंबली किस टाइप से फिटिंग करता है, और गियर असेंबली किस टाइप से फिटिंग करता है, और किक और दोनों चैम्बर को किस टाइप से फिटिंग करके सेट करते हैं। तो इस पार्ट टू के अंदर हम बताने जा रहे हैं कि इसको गियर को किस टाइप से 1, 2, 3 कैसे वर्क होता है, और इसका क्लच का असेंबली किस टाइप से लगेगा, सारी जो इसके ऑयल पम्प वगैरह है जो पार्ट टू के अंदर में आपको मिलेगा। तो जल्दी से हम करते थे वीडियो को शुरू। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसका गियर है वो हम इसको गियर को आपको बताएंगे कि गियर कैसे वर्क होता है। तो हम जल्दी से क्या करते हैं, इस गियर को जितने भी इसके अंदर पार्ट्स है वो लगा देते हैं। गियर की फिटिंग के बाद में हम आप सीधे काम करेंगे, जो इसका किक का स्प्रिंग है इसको किस टाइप से हम बिठा देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको किक के बारे में बताते हैं। तो किक को फिटिंग करने के लिए जो ये किक शाफ्ट आप देख रहे हो, इस किक को इसके ऊपर एक पॉइंट होता है, तो उसको अब हमने देख लीजिए ये गियर चला रहे हैं तो इसके अंदर कोई भी किक की आवाज़ नहीं आ रही। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हम स्टार्ट बाइक के अंदर हम किक दबाते हैं तो जैसे कि देख लीजिए कि कट कट जैसी आवाज़ आती है, तो उसको ये देख लीजिए ये इस टाइप से आवाज़ आती है। तो इसको किक को कैसे सेट करते हैं, एक बार इसको घुमा दिया, अब ये यहाँ पे किक रुक गई है, अब इसको क्या है थोड़ा बहुत और घुमाना है। घुमाएंगे तब क्या होगा, जब मैंने इसके अंदर पार्ट वन के अंदर आपको बताया था जो पॉइंट है एक यहाँ पे पट्टी लगी होती है उसके ऊपर बैठ जाता है, तो क्या है ये जो किक का कनेक्शन है और जो उसका स्पोकेट है वहाँ से कनेक्शन अलग कर देता है। अब हमारे को क्या है किक स्प्रिंग बिठानी, किक स्प्रिंग बिठाने से पहले आप किक स्प्रिंग को अंदर से और बाहर से दोनों साइड से चेक कर ले, क्या होता है कि किक स्प्रिंग अंदर से ज़्यादातर टूट जाती है, तो किक स्प्रिंग सही होनी चाहिए। इसको अच्छी तरह से एक दो बार ऐसे चला के चेक कर ले। अब किक स्प्रिंग को बिठाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक इस साइड में एक पॉइंट दिया होता है, किक के साइड में रोड के पास में ये वाला पॉइंट है, उस पॉइंट को ये किक के ऊपर लगेगा, जो स्प्रिंग आती है इसके ऊपर, इसके अंदर एक आपको पॉइंट दिख रहा होगा ये वाला, ये पॉइंट और किक के रोड के ऊपर पॉइंट है, इस दोनों को हमारे को मिलाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो किक स्प्रिंग है इसको हमने डाल दिया है, अब हमारे को ये पॉइंट मिलाना है। तो हम जल्दी से इसको, आप देखोगे तो एक छोटे से माइनस टाइप से एक दार बनी हुई है और एक पॉइंट है, उस दोनों पॉइंट को हम मिला के इसको फिटिंग कर देते हैं। आप जो किक वाला पॉइंट मिला हुआ है तो आपको ये जो भाग दिख रहा है ये यहाँ पे फिटिंग बैठ जाएगा, तो अब ये फिटिंग बैठ चुका है, जैसे कि इससे आगे स्प्रिंग जाएगी नहीं। तो अब आपको क्या करना है, इस स्प्रिंग को एक प्लेयर की मदद से पकड़ के घुमा के यहाँ पे फिटिंग कर देना। तो ये हो चुकी इसकी किक स्प्रिंग फिटिंग, और अब हमारे को क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा बहुत हम चोट मारेंगे तो ये अंदर की साइड में बैठ जाएगा। तो ये देख लीजिए पूरा बैठ चुका है, अब हम जो गियर के शाफ्ट को चला रहे हैं तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। अब हमारे को क्या करना है, इसके ऊपर लगाना है लॉक। तो लॉक तो उसके अंदर कुछ मेहनत है नहीं, लॉक प्लेयर की मदद से आप इसको थोड़ा बहुत फैला के आसानी से लगा सकते हैं। तो देख लीजिए लॉक लग चुका है, अब हमारे किक का कार्य हो गया कंप्लीट। अब हमारे को गियर को फिटिंग करना है, तो गियर तो फिटिंग हो चुका है, अब इसके ऊपर जो भी पार्ट्स लगेगा वो हम आपको दिखाने वाले हैं। ये जो आपको छोटे छोटे ये एक पाइप की टाइप दिख रही है, ये जो इसके अंदर चार पीस बड़ी आती है और दो पीस छोटी आती है, तो ये क्या है यहाँ पर लग जाएगी, इसको एक एक करके लगा दे। अगर इसके अंदर क्या होता है कि एक साइड में ये कटी हुई होती है और दूसरी साइड में कटी नहीं, जो भी भाग आपको कटा हुआ लग रहा है वो भाग अंदर डाल दीजिए,
और जो भी भाग जो सही दिख रहा है आपको वो वाला भाग आप बाहर रखें। तो अब आपको क्या करना है, ऐसी छोटी छोटी है ये जो आपको एक पाइप टाइप दिख रही है, ये दो लगेगी, एक यहाँ पे लग जाएगी और एक इससे की साइड में लग जाएगी। तो इसको हम जल्दी से बिठा देते हैं। इसके ऊपर ये जो प्लेट आपको दिख रही है ये वाली लग जाएगी, और इसके अंदर उल्टा सीधा कुछ नहीं होता है। इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि ये जो आपको दिख रही है इसके अंदर थोड़ी डाइवेशन चेंज दी हुई है, ये आप उल्टा लगाना चाहोगे तो लगेगा भी नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसको सीधा से फिटिंग कर देंगे। फिटिंग करेंगे तब ये आसानी से बैठ जाएगी। इसके ऊपर लगेगा ये जो स्टार दिख रहा है आपको, ये वाला। तो अब इससे लगाने से पहले हमारे को क्या करना है, जो इसकी गियर शाफ्ट है इसको लगानी है। तो गियर शाफ्ट को लगाने से पहले आप क्या करें, ये गियर के जो टिप दिख रहे हो आप देख रहे हो, इसको अच्छी तरह से चेक कर ले, ये सही होना चाहिए। और दूसरी बात है, जो ये गियर की स्प्रिंग है ये सही होनी चाहिए, और एक इसके अंदर छोटी बहुत स्प्रिंग आती है छोटी सी जो कि गियर लगाने में काम करती है, इसको भी चेक कर लीजिए। ये प्रोसेस सही होना चाहिए। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ऑयल डाल देते तो क्या इसको बिठाने में आसानी होगी। ये थोड़ी टाइट क्यों बैठ रही है, क्योंकि ये थोड़ी बहुत गियर शाफ्ट ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत तो ये बेंड है, इसीलिए ये थोड़ी टाइट बैठ रही है। तो क्या इसको हम एक प्लास्टिक के हैमर की मदद से इसको बिठा देते हैं। ये बिठ गई है, ये देख लीजिए। वर्क हो गई है। अब इसके ऊपर लग जाएगा ये प्लेट। और प्लेट के ऊपर लगेगा एक स्टार। तो जो स्टार है इसको हमने लगा दिया है। अब हम कर देते हैं स्टार को अच्छी तरह से टाइट। अब हमारे को इसकी गियर सेलेक्टर पत्ती आती है उसको इंस्टॉल करना है। गियर लगाने में आसानी होती है और ज़्यादातर हीरो की बाइक के अंदर यही ख़राब होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो भाग है ये बेंड होके ऊपर आ जाता है, इसकी क्या है ये जो स्टार के ऊपर चला जाता है, तो क्या है गियर में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। और कभी कभी क्या है बाइक चलती न्यूट्रल हो जाती है। अगर आपकी बाइक के अंदर चलती के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आप 2 नंबर गियर डाल रहे हो और 3 नंबर लग रहा है, ऐसी प्रॉब्लम आती है, और गियर अटक रहे हैं, गियर शिफ्टिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करें, आपको क्लच भाग तो पूरा खोलना पड़ेगा, परंतु इसके अंदर मेहनत ज़्यादा है इन्वेस्ट कम है। तो अब हम इसको कर देते हैं अच्छी तरह से टाइट। ये 5 नंबर की एलंकी से टाइट होगी। हो चुकी पूरी टाइट, और टाइट होने के बाद में इसको चेक कर दें, ये स्टेप से वर्क होनी चाहिए। अब हम हमारी बाइक है न्यूट्रल की पोजीशन में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आपको एक एक गियर लगा के दिखाएंगे किस टाइप से चापट इसकी वर्क हो रही है। तो गाइस अब हमारी बाइक न्यूट्रल की पोजीशन में है, तो देख लीजिए मैं ये जो इनलेट शाफ्ट है इसको घुमा रहा हूँ, और जो आउटपुट शाफ्ट है ये वर्क नहीं हो रही है, और काफ़ी इजी ये वर्क। तो क्या होता है, ये इतना ही हम ज़्यादा ऑयल डाल के यूज़ करेंगे तो इतना ही स्मूथ चलेगा। तो अब काफ़ी स्मूथ चल रहा है। अब हम इसका फर्स्ट गियर यूज़ करेंगे। तो ये देख लीजिए, ये फर्स्ट गियर लग रहा है, न्यूट्रल यहाँ पे होता है और फर्स्ट यहाँ पे लगा है। अब मैं जो ये देख लीजिए आप, इसको घुमा रहा हूँ, और ये जो धीरे धीरे वो वर्क हो रही, क्योंकि ये ज़्यादा घूमेगी 1 नंबर के अंदर और ये कम घूमेगी। अब हम डाल देते हैं इसका 2nd नंबर गियर। ये लग चुका है 2nd, ये देख लीजिए।
तो अब क्या हो गया, इसके अंदर काफ़ी थोड़ी चाल है वो बढ़ चुकी है। अब ये देख लीजिए, हमने डाल दिया है थर्ड। तो अब देख लीजिए, मैं इतना ही घुमा रहा हूँ, पहले घुमा रहा है उतना, अब काफ़ी चाल बढ़ चुकी है और ये लग चुका है फोर्थ। तो ये पूरी तरह बाइक गियर में है। अब हम इसको न्यूट्रल कर देते हैं। तो ये हो गई हमारी बाइक न्यूट्रल। अब हमारे को इसके अंदर फिटिंग करना है क्लच भाग। तो ये गियर का काम हो गया है और जो किक का काम हो गया, अब हमारे को करना है क्लच का। तो क्लच से पहले हम क्या करते हैं, इसकी जो यहाँ पे एक डस्ट जाली लगती है, सबसे पहले उसको लगाएंगे। ये जो आप देख रहे हो, इसको इसका जो मोटा वाला भाग है ये रहेगा बाहर, जो पतला वाला भाग है ये जाएगा अंदर। इसको आप उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हो। जल्दी से इसको बिठा देते, इसको अच्छी तरह से क्लीन करके बिठाए, क्योंकि यही जाली से ऑयल होके ऑयल पंप के अंदर जाता है और ऑयल पंप से वर्क होके क्रेंक के अंदर आता है और हेड के अंदर ही जाता है। इसको अच्छी तरह से क्लीन होना चाहिए। अब हमारे हम फिटिंग करेंगे इसका ऑयल पंप। तो ऑयल पंप को फिटिंग करने के लिए मैंने इसका ऑयल पंप आता है उसको पूरा खोल दिया है, क्योंकि मैंने इसको अच्छी तरह से क्लीन किया है, क्योंकि काफ़ी इसके अंदर डस्ट था इसलिए खोल दिया। अब ये जो इतने मैं आपको पार्ट्स दिखा रहा हूँ ये ऑयल पंप के अंदर लगेगी। तो ये जो आप पाइप देख रहे हो ये सबसे पहले इसके नीचे लगेगी चैम्बर के अंदर। इसका क्या काम है, ये जो आपको मैंने सबसे पहले आपको रोड दिखाई थी वो रोड के अंदर चाल हो जाती है, तो ये पाइप क्या है कंट्रोल कर देती है। और एक इसके अंदर डोल लगी हुई होती है, वो भी आप ध्यान रखें। और अब हम बिठा देते हैं इसका ऑयल पंप। ऑयल पंप के अंदर गरार ये होती है, इसके ऊपर एक पॉइंट दिया होता है, ये वाला छोटा आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट ऊपर की साइड में रखना है। और एक आ जाएगा इसके अंदर एक और गरारी, तो ये भी इसके अंदर एक भी एक पॉइंट है, ये इसको भी ऊपर रखना है। ये हो गया। अब ये जो ऑयल पंप की रॉड है, ये रॉड यहाँ पे लगती है और इससे ऑयल पंप वर्क होता है, तो इसको इसके अंदर लगा देते हैं हम। ये हो गया काम। अब इसके ऊपर लगेगी एक छोटी सी पैकिंग, वो आपको हम दिखा देते हैं। तो ये लग चुकी इसकी पैकिंग। इसके अंदर आपको बॉन्ड वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, हो सके तो आप इसको ऑयल यूज़ कीजिए, क्योंकि जितना भी आप इंजन के अंदर ऑयल यूज़ करोगे तो सबसे अच्छा ऑयल ही रहेगा, दूसरा कोई बॉन्ड वगैरह आपको यूज़ नहीं करनी है। ऑयल हमने डाला है, अच्छी तरह से वर्क हो रहा है। अब हम लगा देते हैं इसकी पैकिंग और इसके बाद में लगा देते प्लेट। और प्लेट को ध्यान रख के फिटिंग करें कि प्लेट के अंदर ये जो आपको बीच में ये पॉइंट दिख रहा है ये भाग ऊपर की तरफ होना चाहिए। अगर ये भाग ऊपर नहीं होगा तो हो सकता है आपका ऑयल पंप चलता चलता बंद भी हो सकता है। तो अब हम इसको लगा देते हैं। और इसके ऊपर जो ये स्क्रू आते हैं छोटे वाले, ये 3 नट लगेंगे, तो हम जल्दी से इसको बिठा के फिटिंग करेंगे। तो गाइस ऑयल पंप हो गया तैयार रेडी। अब इसको ऑयल पंप को बिठाने से पहले इसकी एक पैकिंग लगेगी, जो हम पैकिंग इसके नीचे लगा देते हैं। ये लग चुकी है, अब हम इसको इस टाइप से बिठा देते हैं। ये ऑयल पंप बैठ चुका है। ऑयल पंप को बिठा के इसके नट फिटिंग करने से पहले जो भी हमने जहाँ पे स्प्रोकेट लगाया था उसको चला के चेक कर लें। इसके अंदर काफ़ी देख लीजिए, जब ये स्प्रोकेट चल रहा है तो इसके अंदर भी थोड़ी बहुत हलचल हो रही है। क्या इसके अंदर जो भी स्प्रोकेट थे वो चल रहे, मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ। इसके एक दो नट लगा देते हैं यहाँ पे, तो क्या है ये घूमेगा नहीं। ये अब मैंने अभी तक टाइट नहीं है किया है क्योंकि दिखाने के लिए, हो सके तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपको पूरा मालूम नहीं चलेगा कि क्या काम हुआ कितना। फिर आप कमेंट करके बताओगे आपने ये नहीं बताया, तो हो सके तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये नहीं कि वीडियो मेरा ही देखे, कि आपको चाहे कोई भी वीडियो देख रहे हो तो उसको एंड तक जरूर देखें, तो आपको पूरा मालूम चलेगा। ये देख लीजिए ऑयल पम्प जो वर्क हो रहा हमारा।
इसी टाइप से ये ऑयल की सप्लाई देता। इससे क्या होता है, ये जो हमने जाली लगाई यहाँ से ऑयल जाएगा इसके अंदर, इस टाइप से यहाँ पे वर्क हो गए। ये जो आपको इस जगह ऑयल दिख रहा है, जो कि क्लच कवर के अंदर एक आएगा, क्लच के अंदर के अवर ओके एक पाइप लगेगी जो इसके अंदर लगेगी, जो जाएगा क्रैंक के अंदर, एक छोटा सा ऑयल इस टाइप से, जो कि ये जो आपको टेट दिख रहा है इसके अंदर से ऑयल हो के हेड के अंदर जाएगा, जो कि रोकर के ऊपर जाएगा, तो रोकर के अंदर आवाज़ नहीं आएगी। अब हम जल्दी से कर देते हैं ऑयल पंप को फिटिंग, और इसके बाद में दिखाएंगे इसकी क्लच प्लेटें को किस टाइप से हम फिटिंग करते हैं। ऑयल पंप क्लियर हो चुका है फिटिंग। अब हमारे को बिठाना है क्लच होजिंग। तो क्लच होजिंग को बिठाने से पहले सबसे पहले इसके अंदर एक लगेगा वाशर, ये जो इसके अंदर काफ़ी मोटा वाशर आता है ये लगेगा, और इसके बाद में एक लगेगी इसके ऊपर पाइप, और इसके बाद में बिठा देते हैं इसके होजिंग को। अब होजिंग को बिठाने से पहले आपको क्या करना है, इसको होजिंग को चेक कर लेना चाहिए, ये प्लेट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसके अंदर जहाँ पे भी ये क्लच प्लेटें लगती है वहाँ पे कट होता है, वो कट ज़्यादा ना हो जाए। अगर ज़्यादा कट हो गए तो क्या होगा कि गेयर लगाने में काफ़ी तकलीफ आएगी, और क्लच प्लेट है वो ज़्यादा जल्दी रिलीज नहीं होगी। तो हम इसके अंदर क्या कट तो है परंतु इतने ज़्यादा नहीं है, और मेरे को अभी या इतने कोई कट है इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हम जल्दी से इसको कर देते हैं फिटिंग। ये अच्छी तरह से वर्क हो रहा है। अब इसको पहले क्लच होजिंग के बिठाने से पहले हमारे को क्या करना है, ये जो आपको प्राइमरी गियर दिख रहा है इसको बिठाना है। तो प्राइमरी गियर को अच्छी तरह से चेक कर ले। अगर प्राइमरी गियर के अंदर थोड़ी बहुत भी तकलीफ होगी, जैसे कि कट वगैरह हो गए, तो बाइक के अंदर क्या होगा, छाएँ छाएँ जैसी आवाज़ आएगी, और इससे नुकसान तो कुछ नहीं है परंतु ऐसी आवाज़ आएगी। तो इसको ये जो भाग आपको दिख रहा है ये भाग नीचे आएगा और ये आसानी से बैठ जाएगा। और अब बिठा दे रहे हम इसका होजिंग। तो अब हो गया हमारा ये जो इंजन से लेके गेयर बॉक्स का कनेक्शन इस दोनों पार्ट से होता है, ये हो चुका है कनेक्शन। अब इसके ऊपर आएंगे वाशर, वो हम आपको दिखाते हैं। होजिंग के बाद में इसके ऊपर इस टाइप से एक वाशर आएगा, इसको आप उल्टा सीधा कैसे भी लगा के बिठा दें, और इसके ऊपर आएगा एक दो लॉक, और फिर उसके ऊपर एक वाशर आएगा जो लॉक को कवर करके रखता है। तो ये हो गए इसके लॉक। अब इस लॉक को बिठाने के लिए क्या करें, इसके अंदर जो आपको फ्लैट वाला भाग दिख रहा है, लॉक को आप देखोगे एक साइड में घुमा वाला भाग है और दूसरी साइड में फ्लैट है, तो जो फ्लैट वाला भाग है इसको रख देंगे हम नीचे। दोनों लॉकों को इस टाइप से लगा देते हैं, और ऊपर जो ये आपको वाशर दिख रहा है इसके अंदर ये कटोरी टाइप वाशर है, जो इसके अंदर कट है वो हम इस टाइप से रखेंगे और लॉक को टक देंगे। ये क्या काम करता है, इस लॉक को बाहर नहीं आने देगा, और ये लॉक लग जाएंगे तो अब ये क्लच होजिंग ये बाहर नहीं आएगा। ये हो चुका क्लियर फिटिंग। अब हमारे को इसके अंदर क्लच प्लेटें और सेंटर अब प्रेशर प्लेट फिटिंग करनी। तो क्लच प्लेटें फिटिंग करने से पहले हमारे को जो ये आप दिख रहे हैं इसको अच्छी तरह से चेक कर ले, ये जो जहाँ पे क्लच प्लेटें लगती है वहाँ पे ज़्यादा घिसा ना होना चाहिए, और सेंटर को भी चेक कर ले। तो इसके अंदर इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि ओरिजिनल जेन्यून कंपनी के सेंटर अब है। तो अब हम इसके अंदर यूज़ करने जा रहे हैं वो भी क्लच प्लेटें भी हैं, हीरो की जेन्यून यूज़ करेंगे। ये देख लीजिए, जिसकी MRP आती है 370 रुपये, और ये हो गई इसकी प्रेशर प्लेटें। अब हमारे को प्रेशर प्लेटों के अंदर क्या चेक करना है, ये जो इसके अंदर तीन प्रेशर प्लेटें आती हैं इसको आप इस टाइप से हाथ में दबा के रखोगे तो इसके अंदर कहाँ पे भी गैप नहीं होना चाहिए। अब हमने इसको रख दिया, कहाँ पे भी ऊपर नीचे होने चाहिए। अगर प्रेशर प्लेट में बेंड होगी तो आपके बाइक में क्या प्रॉब्लम आएगी, आप एक नंबर के अंदर आपकी बाइक है और आप स्टार्ट बाइक है और आपने गियर क्लच दबा दिया है, तभी बाइक क्या होगी, जैसे कि बाइक धीरे धीरे आगे जा रही ऐसी प्रॉब्लम आएगी। और एक नंबर में बाइक होगी, अगर आपकी बाइक बंद भी होगी तो आप बाइक को बैक पीछे सरकाओगे तो बाइक क्या है उसके अंदर थोड़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। यही काम होता है प्रेशर प्लेट बेंड होती है।
तो ये प्रेशर प्लेट है, सही है, थोड़ी ब्लैक तो है परंतु चलेगा। तो हम जल्दी से कर देते हैं क्लच प्लेट को फिटिंग। क्लच प्लेट को फिटिंग करने से पहले क्या करें, जो क्लच प्लेट है वो सूखी आती है, तो इसको हम क्या करते हैं, जल्दी से इसके ऊपर ऑयल डाल देते हैं, गीला कर देते हैं, तो क्या है अच्छी तरह से फिटिंग होगी, जो कि मैं हीरो की जेन्यून यूज़ करने जा रहा हूँ, ये देख लीजिए। तो हम जल्दी से क्लच प्लेट को लगा देते हैं, इसके अंदर कुछ है नहीं, एक क्लच प्लेट लगाओ और एक प्रेशर प्लेट लगाओ। मैं प्रेशर प्लेट का जो ये आपको दिख रहा हूँ, इसके अंदर भी एक साइड में राउंड वाला भाग होता है, एक साइड में फ्लैट वाला होता है, जो मैं फ्लैट वाला भाग है वो नीचे की साइड में रखता हूँ, जैसे कि ये सेंट अब इस टाइप से फिटिंग करूँगा। तो हम जल्दी से कर देते हैं क्लच प्लेट को फिटिंग। तो हो चुकी है क्लच प्लेट क्लियर, अब हम इसको आसानी से फिटिंग कर देते हैं। तो क्लच प्लेट बैठ चुकी है, बिठा के आप चेक कर लीजिए, ये फ्री घूमनी चाहिए, तो अब फ्री है। अब इसके ऊपर हम जल्दी से क्या करते हैं, इसका एक वाशर आएगा और एक नट आएगा, वो बिठा देते हैं। ये है जो इसका वाशर लग जाएगा ऊपर, और ये जो नट है इसका देख लीजिए, पहले काफ़ी एक मैकेनिक ने इसका नट पूरा जो चने से खोल खोल के मिटा दिया है। आप भी ध्यान रखें, बिना टूल कोई भी काम ना करें, बाहर भी कर सकते हैं परंतु इंजन के अंदर बिल्कुल भी बिना टूल के काम ना करें। क्लच प्लेट को फिटिंग करने के लिए इसके टूल आते हैं, वो कि ज़्यादा महंगे है नहीं, सस्ते ही है। ये जो इसका क्लच प्लेट को फिटिंग करने के लिए इसका पुलर आता है, जो कि बड़ा वाला भाग है वो वेट की टाइप साइड में लग जाएगा, और छोटा वाला है जो कि क्लच प्लेट के ऊपर सेंटर के ऊपर लगेगा। देख लीजिए क्लच प्लेट हो चुकी है फिटिंग, ये प्ले रहनी चाहिए सेंटर के अंदर, तो क्या है क्लच रिलीज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो अब इसकी क्या है, स्प्रिंग है, और इसके ऊपर जो ये प्लेट आती है वो लगा देते हैं हम। तो स्प्रिंग को हमने फिटिंग कर दिया है, स्प्रिंग के ऊपर ये लग जाएगी प्लेट, और इसके अंदर एक लगेगा बेरिंग, जो कि बिल्कुल भी फ्री होना चाहिए, ख़राब होगा तो नहीं चलेगा क्योंकि प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अब इसको हम लगा देते हैं इसके ऊपर, और ये जो इसके अंदर 10 नंबर के 4 नट आते हैं, इसको हम ऑपोजिट बाई ऑपोजिट लगा देते हैं। इसको टाइट भी ऑपोजिट बाई ऑपोजिट करना है, क्योंकि हम इसको एक साइड में टाइट करेंगे तो ये जो प्लेट आपको दिख रही है ये एलुमिनियम की आती है और टूट भी सकती है। तो हम जल्दी से कर देते टाइट। तो हो चुका क्लियर टाइट, अब हमारे को क्या करना है, इसको एक बार हम चेक भी कर लेते हैं, तो क्या है प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि
मैं इसका विश्वास बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। हो चुका क्लियर फिटिंग। अब हमारे को क्या करना है, इसका वेट बिटाना है। तो वेट को हम बिटा देते हैं। वेट को कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, आसानी से वेट को अंदर एक आपको चीज़ याद रखनी है। इसके अंदर आपको एक छोटा सा होल दिख रहा है, ये होल खुला होना चाहिए और दूसरा बस कुछ नहीं है। इसको हम बिटा देते हैं, ये बैठ चुका है। अब इसके ऊपर एक इसी टाइप से एक वाशर और एक नट आएगा। तो बैठ हो चुका है फिटिंग। अब हमारे को इसके अंदर एक पैकिंग लगेगी, जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इस टाइप से पैकिंग आती है। अब इस पैकिंग के अंदर आपको बॉन्ड वगैरह यूज़ ना करना है। इसके अंदर आपको क्या करना है, सीधा जो हमने न्यू नया ऑयल यूज़ कर रहे हैं हम, वही लगा देना है और कुछ नहीं बिटा देना है। ये बिट गई। अब इसके ऊपर आएगी एक ये वाली प्लेट, जो कि हमने अब अच्छी तरह से वॉशिंग कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर एमरी वगैरह कचरा ज़्यादा आता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से वॉशिंग करेंगे। और इसके अंदर एक लगेगी सील, जो कि हम लगाने वाले हैं, जो कि हमारे पास में हीरो का जेन्युइन किट आया है। इसी के साथ में ऑयल सील किट है, जो कि पैशन प्रो नाम से आता है और इसकी MRP है 175। इसके अंदर लगभग 4-5-6 पीस आते हैं, वो सारा इसके अंदर लग जाएंगे। ये मेरे पास ने सेलअप स्टार्ट की है और इसके अंदर किक स्टार्ट की भी ये एक सील एक्स्ट्रा आती है। अगर आपके पास में किक स्टार्ट बाइक है तो इसके अंदर आप क्या करें, ये दो सील निकाल दें और ये जो आप देख रहे हो ये सारी जो लग जाएगी आपको किक स्टार्ट के अंदर। तो अब हमारे को क्या करना है, ये वाली सील है, इसी को यूज़ करना है इस प्लेट के अंदर। ये स्टेप्स लगेगी, ये लग चुकी है। ये क्या काम करती है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये आपको पाइप दिख रही है, यही पाइप इस सील के अंदर लगेगी, इसके अंदर आ जाएगी इसी टाइप। तो क्या है, इसके अंदर जितना भी ऑयल आएगा वो इस साइड से बाहर नहीं निकले। ये ऑयल कहाँ से आता है, ये इसी जगह से आता है। और ये देख लीजिए आप, मैंने आपको पहले बताया था कि ऑयल पम्प इस वाले होल के अंदर सप्लाई देता है और ये होल देता है इस पाइप के अंदर। ये पाइप देता है ये जो आप वेट देख रहे हो इसके अंदर, और इससे जाता है क्रैंक के अंदर। तो हम जल्दी से इसको कर देते हैं फिटिंग। और इसके ऊपर आपको लगाना है इस टाइप से चार छोटे छोटे जो स्क्रू आते हैं, चार मुंह पेचकस लगेगा और इसको हम सीधा करके कर देते हैं फिटिंग। ये स्क्रू है, चार हमने लगा दिए और इसको हम कर देते हैं टाइट। अच्छी तरह से टाइट कर दें, क्योंकि इंजन के अंदर कोई भी पार्ट्स खुल ना जाए। कार्य हो गया कंप्लीट। अब हमारे को क्या लगाना है, ये जो प्लेट दिख रही है आपको, ये लगेगी जो क्लच प्लेटें होती हैं इसके नीचे, क्योंकि क्लच प्लेटें इसके अंदर सूखी नहीं चलती है, इसीलिए ये प्लेट रहती है। और इस प्लेट के अंदर होता है क्या, ऑयल। तो अब क्या करना, इसके नीचे 8 नंबर के 2 नट लगेंगे, तो इस टाइप से आते हैं बराबर दोनों आएंगे। इससे थोड़ा बहुत जो बड़ा स्क्रू नट आता है वो लगेगा ऑयल पम्प के अंदर। क्लच भाग के अंदर 8 नंबर के नट 5 पीस आते हैं। क्योंकि 3 ऑयल पंप के अंदर लग जाएंगे और 2 इस प्लेट के अंदर। प्लेट के अंदर हो गए जो बराबर हो गए, उससे छोटे हो गए जो इस ऑयल पंप के साइड में लगेगा, और जो सबसे बड़ा होता है वो इस साइड में लगेगा। तो अब कर देते इस प्लेट को टाइट। हो चुका कार्य कंप्लीट। अब हमारे को क्या काम करना है, ये जो आप देख रहे हो ये ठेसी कहाँ पे लगेगी वो हम दिखा देते हैं। ये लग जाएगी यहाँ पे, जो कि
क्लच की रॉड होती है उसी के ऊपर, तो वो कैसे फिटिंग होती है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। अब हमारे क्या करना है, ये जो क्लच रॉड है इसको लगाना है, तो इसके अंदर आप देख रहे हो ये जो एक रिंग लगी इसको भी हम चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे को लीकेज की प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करें, ये जो रिंग है आप इसको निकाल लेते बाहर, निकल चुकी है। अब पहले लगा देते हैं इसकी स्प्रिंग, और ये जो इसी पूरा किट आता है रिंगों का, इसी के साथ में आपको ये वाली भी रिंग मिल जाएगी, इसलिए मैंने ये जो किट आपको देख रहे हैं ये ख़रीदा है। तो क्या है, एक एक रिंग के लिए हमारे को इधर उधर जाना नहीं पड़े। ये लग चुका है, अब इसको अंदर ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना है, सीधे से आप इसको फिटिंग कर दो। ये हो चुका है फिटिंग, देख लीजिए काम कर रहा है अच्छी तरह से। अब इसके अंदर जो मैंने ये दिखाया था वो लग जाएगा यहाँ पे, जो कि क्लच को दबाने में काम करता है। हो चुका क्लच का कार्य कंप्लीट। अब हमारे को क्या करना है, ये जो इसके अंदर आपको डोल देख रहे हो, एक डोल रह गई इसके अंदर और एक दूसरी है जो इसके अंदर लगी हुई है, तो हो सके तो ये भी हम निकाल देते हैं इसके बाद, उस साइड में लगा देते तो पैकिंग है वो आसानी से आ जाएगी। ये जो डोल है निकल चुकी है, ये लग चुका है। अब हमारे को क्या करना है, दूसरा कुछ इसके अंदर काम बचा नहीं है, अब हमारे को सीधा इसका पैकिंग लगाना। तो मैं ये जो क्लच की पैकिंग देख रहे हो इसके अंदर मैं आपको मैं बॉन्ड यूज़ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि कभी भी इसको खोलनी पड़ जाए तो क्या होता है पैकिंग टूट जाती है, और क्या है क्लच के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम आती है पैकिंग को उतारने के लिए। तो हम इसके अंदर दूसरा कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत ऑयल डाल लेंगे तो क्या ये पैकिंग अच्छी तरह से पकड़ लेगी। दोनों साइड में ऑयल ही यूज़ करूँगा, पैकिंग ट्यूब यूज़ नहीं करूँगा। जिस जगह पैकिंग ट्यूब लगानी पड़ेगी उस जगह मैं आपको बोल दूंगा, यहाँ पे आप पैकिंग ट्यूब लगाएं और इस जगह आप ऑयल लगाएं, तो क्या होता है बाइक के अंदर कभी ऐसी प्रॉब्लम ना आए। अब क्लच कवर को फिटिंग करना है, फिटिंग करते समय ध्यान रखें ये जो आप लीवर देख रहे हो इसको हमारी साइड में बाहर की साइड में दबा के रखें और क्लच को बिठा दें। अब पूरा कवर बैठ चुका है, अब हमारे को क्या करना है, इसको हम लीवर को जैसे ही दबाएंगे तो ये क्लच कवर बाहर आएगा, तब हमारे को मालूम चल जाएगा कि इस ये अच्छी तरह से फिटिंग हो चुका है। तो अब क्या करना है, इसके जितने भी 8 नंबर के नट आते हैं वो हम जल्दी से इसको कर देते हैं फिटिंग, और वीडियो को करते हैं एंड, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। और इसका पहला पार्ट हमने गेयरबॉक्स का डाला, और दूसरा पार्ट है जो कि हमने क्लच भाग के अंदर जितने भी पार्ट्स आते हैं सभी को हमने बता दिया। अब इसका हम थर्ड पार्ट लेकर आएंगे जिसके अंदर आपको बाइक को स्टार्ट करके दिखा देंगे, जितना भी बच्चा पार्ट्स है वो सारा हम लगा देंगे, और एक क्लच के अंदर बाकी रह गया जो कि इसकी सील है, वो तो आसानी से आप जो किक सील है वो तो आप भी लगा सकते हो, इसके अंदर दूसरा कुछ है नहीं। इस वीडियो को हम यहाँ पे ही एंड करते हैं, यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मेरे को बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो और तीसरा पार्ट देखने के लिए आपको क्या है, एंड स्क्रीन में जो तीसरा पार्ट है और पहला पार्ट है दोनों मिल जाएगा, तो जल्दी से वो भी देख लेना। तो आपको क्या है, उस पार्ट के अंदर आपको पिस्टन किस टाइप से बिठाते हैं और हेड को वाल कैसे सेटिंग करते हैं और टाइमिंग चैन कैसे सेटिंग करते हैं, सारी डिटेल उस पार्ट्स के अंदर मिलेगी जो कि आप इंजन के अंदर काम होता है। और तो चलिए हम कर देते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद।